की बड़ी सफलता। भारत फाइनेंस मुंबई के मैनेजर से लूटपाट करने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। जमुई जिला से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। कावर मोड़ के पास से 3 जून को झाझा थाना क्षेत्र में भारत फाइनेंस मुंबई के मैनेजर से 7 लोगों के द्वारा लूटपाट किए जाने के मामले को पुलिस से सुलझा लिया। बड़ी तहकीकात करते हुए 7 में से 3 बदमाशों को झाझा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बात की जानकारी देते हुए रविवार को झाझा SDPO रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 3 जून को मैनेजर के साथ 98,650 रुपए नकद एवं एक टैप की लूट की घटना को अज्ञात बदमाशों के द्वारा दिया गया था, जिसमें कांड के सफल उद्भेदन हेतु जमुई पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में थानाध्यक्ष राजेश शरण, अनुसंधानकर्ता कुंवनी सुबोध कुमार, कुंवनी विजय कुमार, परिकुंवनी मनीष कुमार, कुंवनी शंभू कुमार सिंह, सनी दिलीप चौधरी, DIU टीम, टाइगर मोबाइल, BSAP, महिला सिपाही को शामिल किया गया, जिसके बाद कांड अनुसंधान वैज्ञानिक अब तकनीकी साक्ष्यों कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया एवं पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन के प्रयास के बदौलत कांड में शामिल मुख्य 3 अभियुक्त लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के निंगोरिया गांव के मदन कुमार यादव की गिरफ्तारी हरियाणा के पानीपत क्षेत्र से हरियाणा पुलिस की टीम के सहयोग से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लूट की रकम में कुछ राशि एवं लूटपाट में उपयोग किए गए मोबाइल को बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ में झाझा थाना क्षेत्र के कोलवाड़ी गांव के छोटी यादव और गुटिया गांव के प्रमोद राय की भी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार तीनों अपराधियों ने कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी, उसके लिए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 22 को कावर मोड़ के पास 3 अपराध कर्मियों के द्वारा नॉन बैंकिंग कंपनी जो है ये भारत फाइनेंशियल, वो अपना मनी कलेक्ट करके आ रहा था 98,650 रुपया, उसको रोक के 3 अपराध कर्मी जो मोटरसाइकिल से थे छीन के भाग गए। तीनों अज्ञात थे, वैज्ञानिक अनुसंधान में गिरफ्तार किया गया। यहाँ के SI हैं, उसी के नेतृत्व में टीम गई थी और उसे गिरफ्तार करके यहाँ लाई। और ये मदन के निशानदेही पर छापेमारी किया गया, जिसके बाद 2 और अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूटी गई रकम भी बरामद किया गया है और कुछ मोबाइल बरामद किए गए हैं। लोग किया था प्लानिंग, तो प्लानर के साथ लेकर 6 अपराध कर्मी इसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है। गिरफ्तारी उस घटनाक्रम में शामिल 3 में से एक ही हुई है। 3? हाँ, 3 में से एक ही हुई है। तो ये लोग दूसरे कौन है? दो लोग लाइनर जो होते हैं, लाइनर और लाइनर हैं।